अपने गांव में ये सब रसम होती है, देखो कान टूचाने की हर चीज की रसम होती है, और मुंबई में ये सब तो नहीं होता है, गांव में होता है मगर। अस्सलाम वालेकुम। तो जो हम लोग जिस मकसद से आए ना, वो मकसद है आज जहीर की मम्मी, जहीर की रसम है, तो आज जहीर की मेहंदी की रसम है ना मामू। औरतों लोगों ने खिला दिया मुँह मीठा किया जहीर का, अभी मैं और दूल्हे के अप्पा हम लोग जाएं खिलाने के लिए, है ना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे थे। तो गांव में आ गए हम लोग गुलबर्गा। गुलबर्गा में आने के बाद अभी यहां पर फंक्शन होने वाला है बच्चे की कान चाय का, और जो दूल्हा है उसकी मेहंदी की रसम का। मतलब दो रसम होने वाले आज रात में, है कि नहीं? तो इसका भी हम लोग ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाएंगे कि गांव में किस तरह से रस्म होती है। बहुत बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे जो रस्में जो होती है ना, वो अपने को मुंबई में देखने नहीं मिलती है ना भाई। तो यहाँ पे जो बनता है बहुत अच्छा लगता है। गाने होंगे, औरतें मिलके ढोल वगैरह बजाते हैं, गाने गाते हैं, ये सब क्या है गांव में होता है, मुंबई में नहीं होता है, सब देखने भी नहीं मिलता। बराबर। हाँ, तो अभी क्या होगा रस्म वो पूरा आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और जो कान ढुचाई का जो रसम था उसका जो थोड़ा वीडियो क्लिप है वो मैं इसी में ऐड करके आप लोगों को दिखाऊंगा। बराबर। लेकिन बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो पूरा देखना इंशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। ओके, चलो। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए गुलबर्गा में, अभी ये बच्चे का रसम होने वाला है, कान ढुचाने वाला है, तो उसका रसम है देखो। ए, नाम क्या इसका? देखो ये बच्ची के कान खुजाने वाले, तो इसका रस्म है अभी, तो आप लोगों को दिखाते हैं, है ना। सलाम करो, सलाम करो, सलाम कर बेटे, सलाम करो, सलाम करो। अच्छा, कान टोच रहे ना, ये देखो बच्ची के कान टोच रहे हैं, तो नानी के तरफ से ये इयररिंग नानी ने दे रहे, और उसी का रस्म हो रहा है। रस्म माशाल्लाह, फूल पहनी बच्ची ने, बच्ची फूल पहनी, देखो खाना तो जाना है तो। गाँव में ये सब रस्म होती है, देखो कान टूचाने की हर चीज की रस्म होती है, और मुंबई में ये सब तो नहीं होता है, गांव में होता है मगर। बैठना अच्छा, बैठना नहीं अभी तक बैठी से बोले चुप लगा के करना सीधे देखो बच्ची का फराक, देखो ये फराक है, कल वीडियो में आता नहीं, दे उन्होंने वीडियो ले रही बेटे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह फराक। अब सलाम कर दी, सलाम की बच्ची ने, देखो देखो मैं
इधर कल बटे मुंडी हां काय सलाम करी सलाम ज्ञान कैपन कैपन ज्ञान हां अच्छा अच्छा आप भी की साइबर को आप पहचान अल्लाह अल्लाह खुश रहे अल्लाह मामू को यहां धूले मामू यहां ऐसा सलाम कर रही है ऐसा माशाल्लाह पापा को हाथ से करना हुआ यहां भैया को करो ये भैया को करो हां सलाम सलाम माशाल्लाह देखो खाने का दस्तरखान भी लग गया। एक छोटा सा रसम हुआ है भतीजी का, कान टूट जाएगा, उसके बाद देखो ये दूसरी रसम खाने की। माशाल्लाह इतना अच्छा दस्तरखान मामू ने सजा है। आइए आप लोग भी खाना खाने के लिए, जाएगा स्पेशल मटन पुलाव, एक नंबर पुलाव है बेहतरीन। मकसद से आए ना, वो मकसद है आज जहीर की मम्मी जहीर की रसम है, तो आज जहीर की मेहंदी की रसम है ना मामू, तो आज मेहंदी लगाई जाएगी, कल उसका फंक्शन हॉल में बड़ा क्या बोलते हैं रसम होगा, मम्मी मोइन फंक्शन हॉल में ना उसका बड़ा रसम होगा इंशाल्लाह। आज घर में छोटा फंक्शन है मेहंदी का, है ना, कल बहुत धमाल होने वाला है कल का। दूल्हे की मेहंदी की रस्म हो रही है, कल में तुम भी आगे बढ़ाइए बिल्कुल। कल जो है लड़के की मंगनी है हॉल में, तो आज एक दिन पहले हम लोग मेहंदी की रस्म करते हैं यहाँ पर गाँव के रिवाज से। लड़के को मेहंदी लगाई जाती है और फूल वगैरह पिलाया जाता है, कोई रस्म हो रही है। और तो लोगों ने खिला दिया मुंह मीठा किए जहर का, अभी मैं और दूल्हे के अप्पा हम लोग जाए खिलाने के लिए, है ना।
भी दे रहे हो ला रे वा पेड़ा नहीं खेला पेड़ा खेले नहीं बाबा ने खेला खाया हम बस क्या भी नहीं अभी कल खाना है खुश रखे जिंदगी में खूब आगे बढ़ाए और जिंदगी में हर मुसीबत हर बला से अल्लाह ताला इसको बचाए इनकी जिंदगी में जोड़ी अल्लाह ताला इनको कायमत तक सलामत रखे दुनिया भी नहीं तो जिंदगी में खुशी खुशी आ जाए ओके चल माशा ये दूल्हे की बहन है और ये इनके छोटी बहन है इनकी शादी का वीडियो बनाए थे हाँ। ये दूल्हे की बड़ी बहन है और ये भाईजान बड़े भाईजान ये हमारे बड़ी मामी है ये बड़ी मामी है हमारे खानदान की बड़ी मामी है माशाल्लाह चीनी ना हाँ। इन सबकी इन बड़े बुजुर्गों की दुआ है अल्लाह का एहसान है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है हमारे बड़े बुजुर्ग की हमने के सर पे दुआ है सही बात है और ये दूल्हे के नानी ये देखो नानी है अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है बड़े बुजुर्गों का सर पे हाथ है और बहुत बड़ी बात है इन सबकी दुआओं का करम है तो अल्लाह का इतना एहसान है हमारे घर में खुशी खुशी है बड़े बुजुर्गों की दुआ हम लोग के सर पे है तो माशाल्लाह सब जो फंक्शन था मेहंदी का था और बच्चे के कान टुचाई का था वो सब आप लोगों से हम लोग ने दिखाए कि हमारे आने के बाद क्या क्या फंक्शन है हमारे जैसा हम लोग आए आज ही के दिन उतरे और आज दो फंक्शन था वो बेटी के कान टुचाई का रसम था वही बहुत मस्त माशाल्लाह एक नंबर हो गया और दूसरा जो रसम था जहीर के था मेहंदी का रसम था क्योंकि गांव में ये सब सिस्टम होता बहुत अच्छा लगता है मुंबई में रसीम में कहाँ देखने मिलता है ना ये गांव का सिस्टम बहुत अच्छा लगा तो गांव में ही देखने मिलता है मुंबई में सब तो होता ये दोनों रसम हुआ है और कल जो बड़ा रसम होगा इंशाल्लाह फंक्शन हॉल में कौन सा फंक्शन है मैम मोइन गार्डन में मिर्ची गोदाम मोइन गार्डन हाँ वहाँ पे बड़ा फंक्शन है तो याद से देखना है कि नहीं मंगनी का फंक्शन है और मिस मत करना हमारे साथ इसी तरह बने रहना चलो ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं नेक्स्ट व्लॉग आपको बिल्कुल आगे बात दिखाएंगे ना कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज दुआ में याद रखना और मेरी अम्मी की इंस्टाग्राम आईडी को भी जरूर फॉलो कीजिए मेरी अम्मी की इंस्टाग्राम आईडी का नाम है अफिन दस्तखान क्या बात है एकदम चलो अल्लाह 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 हाफिज